Yes, students. Now nobody will speak. Boys sitting at front, be quiet. Till now, we have discussed in our share capital that every time, every installment we were getting in cash. Because when we were talking about share application, the first entry we were passing bank account debited to share application. And all in these questions, we issued the shares to public. ठीक है, पब्लिक को इनवाइट किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, वी रिसीव द एप्लीकेशन, वी कॉल्ड द अलॉटमेंट मनी, दे पेड अस, कुछ कॉल्स इन एरियर था, एटसेट्रा एटसेट्रा. मींस अभी तक जितनी इलस्ट्रेशंस करी हैं, पब्लिक को शेयर्स इशू हुए हैं और कैश में पेमेंट हुई है. अब मैंने क्या लिखा वर्ड, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश. अब की बार आप अपने शेयर पब्लिक को नहीं इशू करोगे, आपको पेमेंट कैश में नहीं मिलेगी, आप चीज के बदले में अपने शेयर उनको दोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग एन एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, और जिस बंदे से आप मशीनरी या फर्नीचर खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है तो हमारी कंपनी के शेयर ले लो. सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ बार्टर सिस्टम, चीज के बदले में चीज. ठीक है, यू आर बाइंग एन एसेट, यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट इन कैश, यू आर जस्ट आस्किंग देम टू टेक द शेयर्स. और ऐसे हालातों में कभी भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी, सीधा लमसम अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगी. यू विल नॉट बीन ओपनिंग एप्लीकेशन अकाउंट, यू विल नॉट बीन ओपनिंग अलॉटमेंट अकाउंट, यू विल नॉट बीन ओपनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. द होल अमाउंट वी विल बी पुटिंग टू अ सिंगल अकाउंट विच वी कॉल शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एंट्रीज देखना जरा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग एन एग्जाम्पल, यू बॉट द मशीनरी ऑफ रुपीज 5 लाख. ठीक, यू आर बाइंग इट फ्रॉम एक्सेल लिमिटेड. पहले स्टोरी सारी सुनो. 5 लाख की आपने मशीनरी खरीदी है, एक्स लिमिटेड से खरीदी है, और एक्स लिमिटेड को बोला बदले में तू मेरे से कैश ले लेना, मेरा हर शेयर 100 रुपए का है, यू टेक 5000 शेयर्स ऑफ माय कंपनी इन रिटर्न टू दैट. हो गया 5 लाख कवर. अब मेरे को इस सारी कहानी को एंट्री में शो करना है. पहली एंट्री मशीनरी परचेज करने की एक्स लिमिटेड से, क्या एंट्री होगी, स्पीक अप. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लिमिटेड, सबको आती है एंट्री. ठीक है, पहली एंट्री ये करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट लगा, क्रेडिट द गिवर, और मैं उसे अपनी लायबिलिटी बना रही हूँ फिलहाल टू एक्स लिमिटेड, दिस इज विद रुपीज 5 लाख. फिर मैंने एक्स लिमिटेड को बोला एंड एक्स लिमिटेड एग्रीड टू. एक्स लिमिटेड को मैंने बोला मेरी कंपनी के शेयर ले लेना, तो एक्स लिमिटेड डेबिट होगा, और मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं जाएगा, सीधा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज रुपीज 5 लाख. कहानी खत्म. बस दिस इज व्हाट वी कॉल परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश में आया पैसा, शेयर गए, लेकिन कैश में पैसा नहीं आया. दिस टाइप ऑफ शेयर वी विल आल्सो बी शोइंग इन द बैलेंस शीट बट सेपरेटली. शेयर्स इशूड टू वेंडर इन कंसीडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी. ये शेयर पब्लिक को नहीं गए, उस वेंडर को गए हैं जिनसे मैंने मशीनरी खरीदी है. मशीनरी एसेट पार्ट में, फिक्स एसेट में आएगा, और ये शेयर कैपिटल आएगी तो, लेकिन ये पब्लिक को इशू नहीं हुई. इसके साथ हम स्पेसिफाई करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, दीज मेनी शेयर्स आर इशूड टू वेंडर इन कंसीडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी. गेटिंग इट, क्लियर है. समटाइम्स इन द क्वेश्चन ही मे गिव अस एन आइडिया दैट शेयर्स आर बीइंग इशूड टू प्रमोटर्स ऑल्सो. प्रमोटर्स, हु आर माई प्रमोटर्स, who are the promoter of a public limited company, plus one class में किया होता है formation of company के case में पहली stage promotion. हाँ, it is a person or group of person who for the first time conceive an idea to run a company, to start a company. So in order to give a reward for their services, जब company खुल जाती है तो company के directors decide करते हैं कि हम promoters को भी shares देंगे. So whenever it is being mentioned in the question, you will be issuing the shares to promoters. Entry ka logic dekhna. We will be debiting in that case incorporation expenses debited. Why? I will tell you. To promoters. This I am making it due. Incorporation expenses kya hote hain? Company ko kholne pe jo kharche hote hain. To promoters ne पहली बार कंपनी को खोलने के बारे में सोचा. प्रमोटर्स ही वो बंदे हैं जिन्होंने जिनकी वजह से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, तो हमें उनकी सर्विसेज का रिवार्ड उन्हें देना चाहिए ना, तो ये कंपनी को खोलने के खर्चे ही हुए. ठीक है, अगली एंट्री में वी विल बी डेबिटिंग, जैसे यहाँ पे एक्स लिमिटेड को डेबिट किया था, अब प्रमोटर्स को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल. एनी डाउट अबाउट लॉजिक? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस विद रिगार्ड टू promoters, ठीक है, because we are considering these are the expenses which are being incurred to
स्टार्ट द कंपनी। कंपनी की स्टार्ट होने से पहले हम प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज का रिवॉर्ड देना चाहते हैं, सो वी विल बी डेबिटिंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स एंड देन प्रमोटर्स आर टू बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। समटाइम्स द शेयर्स कैन इवन बी इश्यू टू अंडरराइटर्स। हु आर अंडरराइटर्स? एनीबॉडी फ्रॉम द होल क्लास हु आर अंडरराइटर्स? Underwriters are sort of intermediaries who promises to sell our share to the public and in return they get the commission from the company. ये वो बंदे होते हैं, एक तरह के ब्रोकर्स होते हैं जो कमीशन बेसिस के ऊपर हमारे शेयर बिकवाने की गारंटी देते हैं। I'm repeating the line. Who are the underwriters? Who are the underwriters? Who promises with the public limited company to sell its share to the public? On the basis of commission. So, इनको इनकी कमीशन कैश में ना देके हम कहते हैं आप भी हमारी कंपनी के शेयर ले लो इन रिटर्न, ठीक है? तो अब यहां पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? We will be debiting underwriting commission account debited to underwriters. वहां पे promoters क्रेडिट हुए, यहां पे underwriters क्रेडिट होंगे to underwriters. फिर इन्हें क्या बोलना है? अंडर राइटर्स टू कैश में पेमेंट नहीं करनी, ये कमीशन ड्यू हुई भाई, दिस इज बीइंग कमीशन ड्यू, यहाँ पे बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू। अब कमीशन की पेमेंट करनी है किनको करनी है? अंडर राइटर्स को। सो अंडर राइटर्स आर टू बी डेबिटेड टू व्हाट? शेयर कैपिटल। तीनों केसेस में शेयर्स आर नॉट बींग इश्यूड टू द जनरल पब्लिक, तीनों केसेस में शेयर्स आर नॉट बींग इश्यूड फॉर कैश। That's why the topic's name is purchase consideration other than cash. You are acquiring their services, you are buying the asset from the vendor, but in return you are giving your shares to that person rather to make the payment in cash. Cash में payment करने की बजाय आप उन्हें कहते हैं हमारी company के share ले लो and they even agree to it. वो मान भी लेते हैं ये बात। तो ये तीनों cases हैं हमारे purchase consideration other than cash. 31st illustration देखो। See 31st illustration. When we started this chapter, in the beginning only I told you shares can be issued to the public even at par or at premium. Similarly, these few cases we will find when we are issuing the shares either to vendor or to underwriters or to promoters. Even promoters को share par पे भी issue हो सकते हैं, premium पे भी issue हो सकते हैं। जब par पे हैं तो question is very easy। जब premium पे है जरा देखना कैसे होगा। Everybody will see the board. For example, you bought the machinery once again, but I changed the amount intentionally. मैंने अब 5 लाख नहीं लिखा, मैंने मशीनरी की cost लिखी 5.5 लाख, ठीक है? उसने बोला मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दूंगा, 100 रुपए का एक शेयर होगा 10% प्रीमियम पे, मींस 10 रुपए प्रीमियम, ठीक है? पहली एंट्री मेरे को करवाना जरा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, वही बात कराने वाली, एक्स लिमिटेड से खरीदा टू एक्स लिमिटेड 5.5 लाख, ठीक है जी? पहली एंट्री में नो चेंज एट ऑल, प्रीमियम पे है, ठीक। अगली एंट्री जरा मैं जो लिख रही हूं देखो बोर्ड, X limited account debited to share capital to SPR, that is to security premium reserve. I am doubtful capital में कितना डालू और premium में कितना डालू, for that we have a formula and that formula is about number of shares. I will be calculating number of shares. जब मेरे को number of shares पता चल जाएंगे उसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फेस वैल्यू आ जाएगी, उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रीमियम आ जाएगा ना। इतना सबको पता, ऊपर 5.5 लिखना, लेकिन 5.5 को दो हिस्सों में कैसे बांटना है? व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड व्हाट इज द प्रीमियम, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला मशीन की कॉस्ट इतनी है, हर शेयर 100 रुपए का है, 10% प्रीमियम पे क्या करना है, इश्यू करना है, बस क्वेश्चन इज साइलेंट। देन इन दैट केस यू आर सपोज टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर व्हिच इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर। अगर प्रमोटर है तो लिख देंगे अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, प्रमोटर को भी प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं। अगर अंडरराइटर है तो लिख देंगे अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर, मैं यहां पे वेंडर लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय आईपी
आईपी का मतलब है भाई इश्यू प्राइस. दिस टाइम इश्यू प्राइस इज 110 एंड अमाउंट ड्यू इज 5.5 लाख. 110 से डिवाइड करूं, 10% प्रीमियम है. हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 5000. 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 लाख फेस वैल्यू आ गई. 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 50,000 आ गया. क्या ये बिना फॉर्मूला लगाए आप पुट कर सकते थे? नो. सो व्हेनेवर शेयर्स आर बीइंग इशूड फॉर अ परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश बट नॉट एट पार रादर एट प्रीमियम देन यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला. पार के केस में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 लाख की अगर मशीन दिया तो 5 लाख के शेयर दिए, ठीक है. और वहां पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे भी तो 5 लाख डिवाइडेड बाय आईपी, आईपी सो ही होगा, ठीक है. वो उसने दिया होगा क्वेश्चन में 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो 5000 शेयर है, वो तो ऑरली भी निकाल सकते हैं. बात ये है क्योंकि इस केस में मेरे को 2 आइटम्स फिल करनी है. 1 is face value एंड अदर इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. देन यू आर सपोज टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो सेम ही इज गोइंग टू डिस्कस इन योर 31st इलस्ट्रेशन. रीड इट. यहां अब तक किसी को कोई डाउट है? विच केस वी आर डूइंग टूडे? Which case we are doing today? Are we issuing these shares to public? We are issuing to a specified person, either to the vendor of our asset or to the promoter or to the underwriter. So 3 different cases we are covering today. And the cases, purchase consideration ko bahut baar main bola karungi PC. PC means purchase consideration other than cash, right? Let's see. पढ़ो 31st इलस्ट्रेशन. ये करने के बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे. ये 31st इलस्ट्रेशन के बाद चलिए जी इसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड. रत्नाकर लिमिटेड किसकी बुक्स में एंट्रेस करूंगी? यहीं पे रुकते हैं. ऊपर लिखना अगर मेरे को जर्नल इन द बुक्स ऑफ किसकी लिमिट बुक्स में. यस, वी ऑलवेज पास दिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड द कंपनी नेम इज विद यू. किसने किसके एसेट खरीदे? पहली लाइन में क्या लिखा? रत्नाकर ने जेसी लिमिटेड के खरीदे. अगर वो लिख देता जेसी लिमिटेड सोल्ड मशीनरी टू रत्नाकर लिमिटेड तो भी मैं किसकी बुक्स में एंट्री करती? यस, एवरी टाइम परचेजर इज सपोज्ड टू पास द एंट्री, ठीक है. तो यहां पे तो लिखा ही सीधा है रत्नाकर ने परचेज किया है जेसी लिमिटेड से. क्या परचेज किया है? एसेट. जब एसेट का नाम नहीं है वी ऑलवेज यूज अ प्रीफिक्स फॉर इट विच वी कॉल सन्ड्री. सन्ड्री मीन्स मिले जुले एसेट. We don't have a detail of the asset, but we call it sundry assets. ठीक है? So sundry assets we are buying. This is sundry assets account debited to JC Limited. जैसे मेरे वाली example में you have the book in the first period. Today only you are having the book ना in the morning. Book ही नहीं खोली अभी तक. देखो carelessness. To JC Limited. This is offline now. जेसे लिमिटेड कितने के एसेट खरीदे? 18 लाख. अब वो कहता है जेसे लिमिटेड को आपने पेमेंट करनी है 100 रुपए का एक शेयर देना है. और पहला केस क्या एट पार कितने शेयर दोगे? 18,000 शेयर्स. जब 100 रुपए का एक शेयर है नरेशन में लिखोगे ना नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग 18,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच. एंट्री करवाओ पहले केस की. जेसे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. सेम अमाउंट जो ऊपर वाली एंट्री में है वही यहां पे. बात खत्म. सेकंड केस कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट इज बीइंग इश्यूड एट प्रीमियम. तो दो चीजें आ जाती हैं एंट्री में. टू पहली एंट्री विल रिमेन सेम इन द सेकंड केस, राइट? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एम राइट? दिस टाइम वी आर इशूइंग द शेयर्स एट 20% प्रीमियम. 100 का शेयर है आईपी बन जाएगा 120. अमाउंट ड्यू लिखते हैं न्यूमिरेटर में. अमाउंट ड्यू इज 18 लाख. डिवाइड करो 15,000. 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 15 लाख. ये 15,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख. ये ऊपर तो 18 ही आना था. एनी डाउट? आई जस्ट स्प्लिटेड इट इनटू टू पार्ट्स एंड आई एम डाउटफुल व्हाट अमाउंट आई हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड व्हाट टू राइट इन फ्रंट ऑफ एसपीआर. For that, I have to apply the formula, and the formula is of number of shares. Once the number of shares are with me, face value he is giving, premium he is giving. So number of shares को premium से multiply करो तो SPR की amount आ जाएगी. Number of shares को
फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन? अनुष्का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला? न्यूमिरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स? अमितोष, समय का बोलो फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला इससे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था, क्या है फॉर्मूला? बिल्कुल ठीक है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय आप बोलो। आई यूज टू राइट आईपी। आईपी का मतलब है इशू प्राइस। इशू प्राइस एट पार विल बी द फेस वैल्यू ओनली, एट प्रीमियम इट विल बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। डिस्काउंट वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपनी स्टार्ट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, ये याद रखना। कैन अ कंपनी इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट? यस, वेरी गुड। व्हेन यस, व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशू टू एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस चैप्टर के एंड में करेंगे ESOP, ESOP। To general public, we can't issue the shares at discount. This is only a special scheme and we will discuss it at the end of this chapter. 32nd illustration, ध्यान से सुनिए। इस illustration में हमने किसी का, मैंने बोला था मैंने back exercise करवानी है। Come at the back exercise. Purchase consideration other than cash पे आओ। statement is Z Limited purchase furniture of ₹220। पुरानी बुक्स वाले ढूंढ लो। Z लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, फर्नीचर खरीदा है 220 का। मैं एक बार सारी स्टेटमेंट पढ़ूंगी एंड हाइलाइटिंग पॉइंट आई विल रीड राइट ऑन द बोर्ड। ₹100 का एक शेयर है, ₹10 में इशू किया, ₹10 प्रीमियम पे इशू किया। एंड वी आर नॉट इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, वी आर इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स। तो एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। मशीनरी खरीदी कौन सी कंपनी ने, कौन सी कंपनी से? CD लिमिटेड से खरीदी, Z लिमिटेड ने। तो क्या एंट्री करूंगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू CD लिमिटेड। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू CD लिमिटेड 220, क्योंकि इस कंपनी को Z लिमिटेड ने बोला कि मैं प्रीमियम में तेरे को शेयर्स दूंगी, तो डेफिनेटली मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स का। एंट्री लिख के रख लेते हैं टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज वी आर नॉट इशूइंग इक्विटी, लिखा हुआ है उसने प्रेफरेंस शेयर्स है, तो आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हैं टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू SPR व्हिच वी कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ आई एम डाउटफुल इसमें कितना लिखूं, इसमें कितना लिखूं, इसमें जितना डेबिट होना है वो तो मेरे को पता है। फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आई एम गोइंग टू अप्लाई, अमाउंट ड्यू। अनुष्का, पे अटेंशन ओवर हियर, दिस इज अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। व्हाट इज द इशू प्राइस? 100 प्लस 10, 110, 2000 शेयर्स, ठीक है जी। 2000 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख, 2000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया 20,000, बंट गया आपके दो 20, दो हिस्सों में, एक आ गई 2 लाख शेयर कैपिटल, 20,000 प्रीमियम। एनी डाउट टू एनीवन? क्वेश्चन डन। 30th देखो, पूछना है किसी को कुछ, कोई कैलकुलेशन में डाउट हो तो 30th पढ़ो और करना शुरू करो, डू इट ऑन योर ओन। 30th करो, टेक 2 मिनट्स, यूज एब्रीवेशंस एंड कंप्लीट द एंट्री। हरी अप एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुली। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 34, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर क्वेश्चन? हियर बाय यू आर नॉट बाइंग अ सिंगल एसेट, यू आर जस्ट बाइंग अ रनिंग बिजनेस ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का चलता चलाता बिजनेस आप खरीद रहे हो। जब आप किसी कंपनी का चलता चलाता बिजनेस खरीदोगे, आप उसके सारे एसेट्स भी ले लोगे, सारी लाइबिलिटीज भी लोगे। जब आप सारे एसेट लोगे तो एसेट सारे डेबिट होंगे एंट्री में, जैसे ओपनिंग एंट्री किया करते थे प्लस वन क्लास में। ऑल एसेट्स आर टू बी डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड,
वेंडर इज ऑल्सो बींग क्रेडिटेड विद पीसी दैट इज परचेज कंसिडरेशन. इट इज नॉट असेंशियल कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के साथ मैच करें. अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो बैलेंसिंग फिगर एंट्री में आएगी कैपिटल रिजर्व. अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है एंट्री में तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगी. सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज डिफरेंट. ये इलस्ट्रेशन नहीं मैंने सिखाई, मैं यहीं पे ये क्वेश्चन करवा रही हूँ. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही गिव्स यू द ट्रांजेक्शन टू बाय एन एसेट एंड इन फ्यू केसेस ही कैन टॉक अबाउट टू परचेज द बिजनेस ऑफ सम अनदर कंपनी. किसी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस या आपने टेक ओवर कर लिया, परचेज नहीं टेक ओवर. ठीक है, जब आपने किसी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस आप उस कंपनी के एसेट्स भी लोगे लायबिलिटीज भी लोगे. ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद इट. 34 भारत लैंप लिमिटेड. All liabilities are to be, let's see, plant account debited 7 lakh, land and building account debited 12 lakh, stock account debited, sundry creditors are also to be debited, yes, 2 sundry creditors. और साथ में बोला टू पीसी टू परचेज कंसिडरेशन विद द नेम ऑफ द पर्सन हूज बिजनेस वी आर बाइंग दैट इज टू शर्मा एंड कंपनी. शर्मा एंड कंपनी को हमने बोला आप हमारी कंपनी के 30,000 शेयर्स ले लेना 100 रुपए का एक, इट मीन्स की 30 लाख. यस, डायरेक्टली पीसी नहीं दे रखी. आई कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स विद द फेस वैल्यू. एनी डाउट अबाउट 30 लाख? 7 + 12 = 19, 19 और 9 = 28. यहाँ पे 32. कौन सी साइड बड़ी? गुडविल इज द बैलेंसिंग फिगर विद ₹4,000. आंसर चेक करो गुडविल का. 4. एनी डाउट? साथ में BF लिख के आना एग्जामिनर को बताने के लिए. दिस इज वॉट गुडविल वी आर कैलकुलेटिंग अगेन. सब्जेक्टिव नहीं आना, लेकिन MCQ में ही कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल. He can ask you to find the value of goodwill. ठीक है जी. अगली एंट्री में क्या करूं? नेक्स्ट एंट्री में क्या करूं? शेयर्स देने हैं उसे अपनी कंपनी के. बोलो जल्दी से. शर्मा एंड कंपनी को भारत लैंप लिमिटेड ने शेयर्स देने हैं 30 लाख के. पहली लाइन में लिखा और पार पे है. बोलो जी. अच्छा, भारत लिमिटेड टू भारत लिमिटेड की बुक्स में मैं एंट्री कर रही हूँ, अपनी बुक्स में वो अपना नाम ही लिखेगा. ठीक है, अच्छी बात है. शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30 लाख. बस खत्म, खत्म कहानी. इसके अलावा और कुछ नहीं है. एक नया टॉपिक आपको सिखाया गया, व्हेन यू आर बाइंग द रनिंग बिजनेस ऑफ सम अनदर कंपनी. ठीक है, आप उस कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो. 36 अपने आप करो ऑन द सेम लाइंस. डू 36 क्वेश्चन एवरीवन.